नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसे ही प्यार कहते हैं। पत्नी नीलम का प्यास चूल्हे पर चढ़ा सुहाग। तारीख 26 मार्च 2022, जिला धनबाद, जगह फुटबॉल मैदान, मामला मुकेश पंडित की हत्या। ये कहानी है धनबाद के दामोदरपुर के सोमनगर के रहने वाले मुकेश पंडित की, जिनकी हत्या 26 मार्च को गोलियों से भूनकर कर दी जाती है। एक ऐसा परिवार जहां एक खूबसूरत पत्नी, तीन छोटी छोटी बच्चियां और एक पिता रहते हैं और वहां के एक मुकेश पंडित की हत्या कर दी जाती है। इस कहानी को सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी बॉलीवुड की मसाला फिल्म की ड्रामेटिक सीन है, क्योंकि इसे रचा भी वैसे ही गया था। बता दें कि मुकेश पंडित के घर के बगल में ही उज्जवल शर्मा का घर था, जो कि मुकेश पंडित की दुकान में काम भी करता था और इसी सिलसिले में अक्सर उज्जवल शर्मा का आना जाना मुकेश पंडित के घर पर होता था। और इसी बीच उज्जवल शर्मा की नज़दीकियां जो हैं नीलम से बढ़ गई, जो कि मुकेश पंडित की पत्नी थी, और इस बीच दोनों के बीच अवैध संबंध भी कायम हो गया और इन दोनों के बीच मुकेश जो है वो दरार बन गया था और यहीं से शुरू हुई मुकेश पंडित को मारने की साजिश की कहानी। मुकेश पंडित की पत्नी के कहने पर उज्जवल शर्मा एक नेहा नाम से फेक प्रोफाइल बनाता है फेसबुक पर और उसका रिक्वेस्ट मुकेश पंडित को भेजता है, जिसके बाद मुकेश पंडित और नेहा के बीच घंटों फेसबुक पर चैटिंग होने लगी और चैटिंग के दौरान मुकेश पंडित को नेहा से प्यार हो गया और वो नेहा का पूरी तरीके से हो चुका था, जिसे उसने आज तक कभी देखा भी नहीं था। एक दिन अचानक से नेहा का मैसेज आता है कि वह धनबाद आई हुई है और वह मुकेश पंडित से मिलना चाहती है। बिना कुछ सोचे समझे मुकेश पंडित नेहा से मिलने के लिए मैदान में चला जाता है और फिर क्या था, वहां जाने के बाद नेहा उर्फ उज्जवल ने मुकेश पंडित को दो गोलियां मारी, जिसके बाद मुकेश पंडित का काम जो है वो तमाम हो गया। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता ही है। पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए नीलम और उसके प्रेमी उज्जवल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त दोनों ही जेल में हैं और इसके साथ ही मुकेश पंडित इस दुनिया से जा चुका है। मुकेश की बेटियां इस वक्त सिसक रही हैं, उनके पास ना तो पिता रहे और ना ही उनकी माँ रही। वहीं अगर नीलम की मायके की बात करें तो वो अपनी बेटी की करतूत से शर्मिंदा है और इस पूरे मामले पर वह उसकी किसी तरीके की कोई मदद नहीं करना चाहते। और सवाल ये भी है कि एक दूसरे को पाने की जिद में एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया गया और इस पूरे मामले में एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।